हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जी टेक प्रो हिंदी में। और आज मैं आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ रिगार्डिंग MIUI 10 8.8.16 जो है अभी आज निकल चुका है। थर्सडे को 16 अगस्त को निकल चुका है ये डेट। मैंने आपको पहले भी कन्फर्म कर दिया था मेरे चेंज लॉग प्रीव्यू वीडियो में, और आप डेट भी देख सकते हैं, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको। और जो है मेरे चेंज लॉग प्रीव्यू का वीडियो में आपको डेट भी कन्फर्म कर दिया हूँ। हाँ, तो ऐसे वीडियोस अगर आपको चाहिए Redmi Note 3 के रिलेटेड या MIUI इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फास्ट मैं ही आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है, रिगार्डिंग ऑल दिस। तो डायरेक्ट इसको फ्लैश करने के बाद हम देखते हैं क्या क्या फीचर्स मिला है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली फ्लैश कर चुका हूँ हमारा MIUI 10 8.8.16 में। डायरेक्ट अभी जो है सेटिंग्स में जाके आपको दिखा देता हूँ कौन से जो है वर्जन पे मैं रन कर रहा हूँ। 8.8.16 पे मैं रन कर रहा हूँ, और अभी जो है एंड्रॉयड वर्जन सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। सिक्योरिटी पैच भी जो है सेम है और कुछ चेंजेस नहीं है। सबसे बड़ा चेंज जो है अपडेट रहे ऐप में है, जो टॉप सीक्रेट दिखा रहा था वो जो है वीकली हो गया है, लेकिन शायद से अगर सस्पेंड कल हो जाता है। कल मेरा एक इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है रिगार्डिंग सम सर्विस सेंटर्स इशू ऑन जो है मेरा एक रिलेटिव का जो है Redmi Y2 था, उसमें कुछ इशू आ गया था, उसको मैं सर्विस सेंटर में लेके गया, क्या हुआ उस उधर और जो है उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, सब उस वीडियो में आपको बता दूंगा कल। तो जिसके आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिसेंट्स पे हम जाते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। और जो है रिसेंट्स में सबसे बड़ा चेंज है जो देखने वो मेरे को मिल रहा है, जो है 1 GB ऑफ 2 GB, जो है 2 GB से 1 GB फ्री मिलता है और फ्री स्पेस मिलता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड रोम है ये, अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है। और कुछ लोगों में कुछ नहीं चेंज है, मतलब ऊपर जो नोटिफिकेशन लोगों का कुछ भी नहीं चेंज है, सिर्फ सिस्टम स्टेबिलिटी और जो है बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छा बढ़ गया है। क्योंकि इसमें रोम जो जब रोम फ्लैश किया था तभी तो अराउंड चार्ज करने के बाद वो मैं फ्लैश किया था जो अराउंड था 21%, अब भी जो है 20% है। बैटरी बैकअप थोड़ा अच्छा है, और जो है नया फीचर्स और एक दिखने को मिलता है जो है व्हाट्सएप क्लीनर। शायद ये फीचर्स जो है लास्ट अपडेट में आ गया था लेकिन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन इस अपडेट में जरूर अच्छे से वर्क करता है, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है डायरेक्ट जो है स्मूथनेस को देखते हुए मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही स्मूथ है, टोटली लैगी नहीं है, कोई भी फोर्स स्टॉप इशू नहीं है या कोई भी मतलब टच से इशू नहीं है। और मोबाइल इसमें जो है मैं इसको 1 घंटे लगभग यूज़ कर चुका हूँ, और जो हीटअप नहीं होता है, और बैटरी बैकअप तो मैं आपको पहले बोल दिया कि अच्छा ही है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ है। और मैं और एक चीज़ आपको अलर्ट करना चाहता हूँ, जो है कल एक और वीडियो आने वाला है रिगार्डिंग ऑल दिस एंड जो है सर्विस सेंटर इशू का। तो उसके लिए आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।